हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप कोई ख़राब लैपटॉप के इंटरनल वाईफाई को एक्सटर्नल वाईफाई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक ख़राब लैपटॉप का इंटरनल सर्किट बोर्ड है और ये इसका वाईफाई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और चलिए इसे पहले डीसोल्डर कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा वाईफाई है। ये एक USB है जिसे हम अपने वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें कंप्यूटर और लैपटॉप के USB पोर्ट से 5 वोल्ट का पावर सप्लाई आउटपुट मिलता है, पर हमें इस वाईफाई के लिए 3.3 वोल्ट का पावर सप्लाई चाहिए। तो हमें 5 वोल्ट पावर सप्लाई को 3.3 वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा। चलिए इसे पहले सोल्ड कर लेते हैं। चलिए अब इसे टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे PC में ऑलरेडी एक वाईफाई लगा हुआ है, इंटरनल वाईफाई। अब मैं इस एक्सटर्नल वाईफाई को लगाता हूँ। ये देखिए, अब इसमें दो वाईफाई शो करने लगा है, एक इसका इंटरनल वाईफाई है और एक एक्सटर्नल जनरेटर लगा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।